दिव्य उपन्यासिकाओं में उपस्थित केदार सिंह पर्वत पर भगवान का यह दिव्य मंदिर, इस स्थान पर भगवान विष्णु के जो अवतार हैं नर नारायण ऋषि ने तप किया, उस तप का पुण्य है कि भारत भूमि को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से यह पांचवा ज्योतिर्लिंग जो शिव पुराण के मतानुसार है, कहते हैं नर नारायण राख्या यव अवतारो हरेर द्विज ते पाते भारते खंडे बद्रिकाश्रम वही। भारतवर्ष के केदारखंड के बद्रिकाश्रम में उपस्थित यह दिव्य ज्योतिर्लिंग दिव्य दो संतों की उपासना का पुण्य है। इस स्थान पर आने से जीव मात्र अपने हर पाप से, ताप से, श्राप से, दोष से, चिंता से, भय से, रोग से, दारिद्रता से मुक्त होता है, जिसको मुक्ति का धाम कहते हैं। कहते हैं जीवन मुक्तो भवेशोपी योगतो बदरी बने। जो एक बार भी इस पवित्र धाम में आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन करता है, इस भूमि पे आकर के भगवान का अर्चन करता है, वह हर संताप से मुक्त हो जाता है। उसको पुनर्जन्म नहीं है, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे सहन पुनः पुनः आवागम के चक्र से वह जीव मुक्त हो जाता है। उस जीव की गति शिव के स्वरूप हो जाती है। कहते हैं गत्वा तत्र प्रीति युक्तः केदारे संप्रपूज्य च तत्रप्तम उदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। भगवान शिव का अभिषेक कर उस अभिषेक का जल का जो पान करता है, जिसको उदक जल कहते हैं, अमृत जल कहते हैं, उस जीव को पुनर्जन्म नहीं है, वह हर दोष से हर संताप से मुक्त हो जाता है। यह स्थान बहुत ही दिव्य है, दुर्लभ है। इस स्थान पे आने के लिए जीवात्मा नहीं अपितु देवात्मा भी तरसते हैं, इसलिए इस दिव्य हिमालय की दिव्य परंपरा है। यहाँ पर 6 माह तक मानव स्वरूप भगवान का दर्शन करता है, उनका अर्चन करता है, उनकी उपासना करता है, उनके लिए जप करता है, उनके लिए तप करता है, और 6 महीने के बाद भैया दूज के दिन भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री कपाट बंद कर दिए जाते हैं। आज प्रातःकाल में भगवान श्री केदार जी का जो है श्री कपाट बंद हुआ, उससे पहले भगवान शिव का महाभिषेक कर भगवान की जो नित्य पूजा है वो संपन्न होकर के, और भगवान का जो समाधि पूजन होता है, भगवान शिव समाधि में विराजमान हो जाते हैं। इस जगत के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए इस हिमालय की दिव्य श्रृंखला पर जिस ज्योतिर्लिंग भगवान शिव अपने योग साधना में चले जाते हैं, 6 माह तक इस स्थान पर भगवान शिव केदारेश्वर की जो पूजा है वो देवताओं के द्वारा संपन्न की जाती है। यहाँ पर 6 महीने देव पूजा है। कहते हैं षण मासे पूज तो देव हो षण मासे मानव स्थित 6 महीने, जो आज से भगवान श्री केदार जी के श्री चरणों की सेवा है। यहाँ पर भगवान श्री केदार जी के प्रथमादिगण नंदी जी, भृंगी जी, स्कंद जी, माँ जगदम्बा, भैरव जी और यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब भगवान शिव की शरणागति लेकर के भगवान की दिव्य 6 माह तक सेवा संपन्न करेंगे। कहते हैं महाद्रि पार्श्वे चतटे रमंतम संपूज्यमानम शततम मुनिन्द्रे सुरासुरेर्य शमोरगाधे केदारनाथम शिवमे कमीढे केदारनाथम शरणम प्रपते केदारलिंगम च उदारलिंगम श्रीशूलपाणी भवदुःखभाजम केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारनाथम मनस स्मरामि केदारनाथम हृदय स्मरामि। अब ठीक 8:30 बजे भगवान के जो पूर्व के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, और भगवान का जो उत्सव चल विग्रह मूर्ति है, 3 दिन की पैदल यात्रा के बाद प्रथम पड़ाव भगवान का रामपुर में, द्वितीय पड़ाव श्री काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में, और तृतीय पड़ाव भगवान श्री केदारनाथ जी के जो गद्दी स्थल है ओमकारेश्वर मंदिर, जहां महानदाता जी की तपस्थली है, 6 माह तक भगवान शिव केदारेश्वर की जो श्री पूजा है, श्री केदारनाथ जी की जो
छः माह की पूजा है वह अपने गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। छः माह तक भगवान के उत्सव मूर्ति का, बहुमूर्ति का जो दर्शन करना चाहें वो भगवान के दिव्य स्थान पर आकर के भगवान के श्री चरणों का दर्शन कर सकते हैं। और छः माह के बाद पुनः इस दिव्य हिमालय की प्रतीक्षा में सब शिव भक्त रहेंगे। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, भूयोर्भूपति मंगलम, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चे दुःखभाग् भवेत्। जिस तरह से भगवान शिव केदारेश्वर जी का स्वरूप मंगल स्वरूप है, माँ जगदम्बा का स्वरूप मंगल स्वरूप है, सभी शिव भक्तों का वो खूब खूब मंगल करें, ऐसी भगवान श्री केदारनाथ जी के श्री चरणों में मेरी दिव्य प्रार्थना है, उनको प्रणाम है। जय श्री केदार। अभी 8:30 बजे